हाय, वेलकम टू जेडी टू क्लास। आज का क्लास है बहुत ही खास। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ्स के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, और इसको करने के बाद आप हो जाएंगे सुपर फास्ट। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और जो मेरे चैनल पर नया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। फर्स्ट हम देखते हैं कि सपोज किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना हो 5 से, तो हम क्या कर सकते हैं इसको फास्ट तरीके से आंसर को निकालने के लिए। सपोज ये एक नंबर है 4286 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 4286 ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4286 को डिवाइड कर सकते हैं बाय 2। सो डिवाइडेड बाय 2 करने से इसका आंसर कितना निकलेगा, 2143। इसके बाद हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, एक जीरो लगा सकते हैं लास्ट में। सो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं और एक नंबर को मल्टीप्लाई करके 5 से, लेकिन वो क्या होगा, वो एक ऑड नंबर। ये देखिए अब 4285 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से उसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड बाय 2 करने से इसका आंसर कितना निकलता है, 2142.5। सो इसका आंसर होता है 2142.5। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसमें जीरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है और इवन नंबर में हम कभी जीरो नहीं लगाएंगे। इसको हम सिंपली ये पॉइंट को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया कि किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे। सो आइए अब हम देखते हैं कुछ और ट्रिक्स कुछ और नंबर्स के। तो चलिए अब हम देखते हैं, सपोज किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना हो 9 से, तो हम इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। सपोज ये एक नंबर है 86,78,349, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 9 से और इसका आंसर निकालना है शॉर्टकट तरीके से। तो देखिए सबसे पहले ये जो नंबर दिया है इसको आप लिख लीजिए, और एंड में एक जीरो लगा दीजिए। और इसके बाद क्या करेंगे, आप जो नंबर दिया गया है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो ये आपने नंबर लिखा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका जो आंसर निकलेगा वही आपका आंसर होगा। सो आंसर देखते हैं हम इसका। सो ये है आपका आंसर। आई होप यू आर क्लियर विद दिस प्रोसेस। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोसेस को देखते हैं। अगला तो चलिए अब हम देखते हैं, सपोज किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या कर सकते हैं उसको फास्ट तरीके से आंसर को निकालने के लिए। वेरी सिंपल, आप ये नंबर ले लीजिए और उसके बाद सिंपली एक जीरो बिठा दीजिए लास्ट में, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। सो आई होप ये भी आपका क्लियर हो चुका है। सो आइए अब हम देखते हैं कुछ और। तो चलिए अब हम देखते हैं, सपोज किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना हो 11 से, तो हम उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए सपोज ये एक नंबर है 3679 मल्टीप्लाई बाय 11। सो अब हम इसको कैसे निकालेंगे शॉर्टकट तरीके से। सपोज ये जो लास्ट में नंबर है इसको आप सिंपली लिखिए, ये क्या है 9, तो मैंने क्या किया, ये 9 लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सपोज ये 7 है और 9 है, तो अब इन दोनों को ऐड करना है। 7 प्लस 9 कितना होता है, 16, तो हम इसको 6 लिखेंगे और कैरी 1। उसके बाद 6 प्लस 7 13 प्लस 1, सो कितना हो गया 14, 4 कैरी 1। उसके बाद 3 प्लस 6 9 प्लस 1 10 0 कैरी 1। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, सो इसको हम क्या पकड़ेंगे, 0 0 प्लस 3 3 प्लस 1 4, तो ये हो गया आपका
आंसर। आई होप ये भी आपका समझ में आया। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ और। तो चलिए अब हम देखते हैं, सपोज किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना हो 12 से, तो हम उसका शॉर्टकट तरीका क्या है जिससे हम उसको फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं आंसर को। तो चलिए अब हम देखते हैं, सपोज एक नंबर दिया गया है 46,213 मल्टीप्लाई बाय 12। तो वेरी सिंपल और वेरी इजी तरीके से हम इसको करते हैं। ये लास्ट वाला नंबर क्या है, 3, सो इसको हम 2 टाइम्स प्लस करते हैं। 3 + 3 ये हो जाएगा 6, तो हमें लिखना है 6। नेक्स्ट यहाँ पे है 1, सो 1 + 1 = 2, उसके बाद का नंबर है 3, सो 2 + 3 ये हो जाएगा 5। सो हम क्या करेंगे, अब इसको हम 5 को लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका 2, सो 2 + 2 = 4, उसके बाद का नंबर है 1, सो 4 + 1 = 5। सो नेक्स्ट है 6, 6 + 6 = 12, उसके बाद का नंबर है 2, सो 12 + 2 = 14। सो हम इसमें 4 लिखेंगे और कैरी 1। नेक्स्ट है आपका 4, सो 4 + 4 = 8, 8 + 6 = 14, कैरी 1 ये हो जाएगा 15, सो अगेन कैरी 1। सो अब इसके आगे कुछ नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक 0 को ले लेंगे। सो 0 + 0 = 0, + 4 हो जाएगा 4, कैरी 1 था ये हो जाएगा 5। सो ये हो गया हमारा आंसर, 5,54,556। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस प्रोसेस। आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा और इजी लगा। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।